हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीलाब और आज मैं अपने रेगुलर लेक्चर्स से कुछ हट के बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस इस समय एक ग्लोबल थ्रेट के रूप में उभर के आया है। सारी दुनिया ने इसको पैंडेमिक घोषित कर रखा है। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने इसका टॉपिक दिया है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी, फाइंडिंग न्यू होप्स अमिडस्ट द कैओस। इसका क्या मतलब है, ये टेक्निक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये किस तरीके से यूज हो रही है उसके बारे में जानेंगे। इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस लेक्चर को मैंने इतने पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड कर रखा है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर कोरोना वायरस के करंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो क्या है, आज का अगर आप अपडेट देखेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। 19 लाख से ज्यादा लोगों को ये ऑलरेडी कंफर्म्ड हो चुका है और 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इसकी वजह से। इस वजह से भी इस टॉपिक की रेलेवेंस बढ़ जाती है। इस टॉपिक के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है कि उसका ट्रीटमेंट आखिर क्या है। तो ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लगभग आज से 100 साल पहले भी उसको यूज किया गया था स्पैनिश इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट। तो ये और इसके अलावा भी बहुत सारे और वायरल डिजीजेस के लिए, जैसे इबोला के लिए, सार्स के लिए और रेबीज और डिप्थीरिया के लिए भी इसका यूज हो चुका है। तो अब आगे चलते हैं कि कॉन्वलेसेंट का क्या मतलब है एक्चुअली। तो कॉन्वलेसेंट का मतलब अगर हम लोग देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये है रिकवरी। रिकवरी, लेकिन रिकवरी किस चीज से? डिजीज होने के बाद जो एनर्जी की रिकवरी होती है, स्ट्रेंथ की रिकवरी होती है और पूरी ओवरऑल हेल्थ की रिकवरी होती है, उस चीज की रिकवरी की बात हो रही है। तो कॉन्वलेसेंट जब भी बोला जाए तो आप क्या समझेंगे, रिकवरी की बात हो रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। आप सब जानते हैं कि प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कॉम्पोनेंट होता है। उसकी डिटेल्स लेकिन नॉन बायोलॉजी वालों के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं होगी, वो नहीं जानते होंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ब्लड का ही कंपोनेंट है प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% पाया जाता है। 55% कंपोनेंट है ब्लड का, 55% इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा मूलतः पानी पाया जाता है, वॉटर पाया जाता है, सॉल्ट पाए जाते हैं, क्लॉटिंग मटेरियल पाया जाता है, क्लॉटिंग पार्टिकल भी पाए जाते हैं, फिब्रिनोजन जिसको बोलते हैं वो भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन हमारे लेक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर पाए जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिंस, जिसको हम लोग IG से भी लिखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिंस मतलब एंटीबॉडीज, नॉर्मल टर्म्स में जिसको सभी लोग जानते हैं एंटीबॉडीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंटीबॉडीज क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है बेसिकली। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो नॉन बायोलॉजी के बैकग्राउंड के लोग हैं वो जान सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का भी पोर्शन है और प्रोटीनेशियस भी इसका नेचर है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि एंटीबॉडी इसमें जो IG का क्या मतलब है, एंटीबॉडीज है। अब आते हैं कि सीरम और प्लाज्मा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सीरम का यूज होता है कि प्लाज्मा का यूज होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीरम और प्लाज्मा में आखिर अंतर क्या है। तो ये जानना जरूरी है कि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स सारे के सारे पाए जाते हैं, लेकिन सीरम के अंदर क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को छोड़ करके अगर प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सीरम। यहां पे मैंने सीरम और प्लाज्मा को इसलिए डिफरेंशिएट किया है क्योंकि उन दोनों का रोल अलग अलग है, ठीक है। सीरम की बात की जाए तो इसका यूज डायग्नोसिस में है, कोरोना वायरस के डायग्नोसिस में इसका यूज है। तो डायग्नोसिस में इसका यूज है। और प्लाज्मा की बात की जाए तो आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, तो प्लाज्मा यही प्लाज्मा है, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है प्लाज्मा का यूज हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए। सीरम का यूज हो रहा है डायग्नोसिस के लिए, इसीलिए मैंने इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी बता दिया।
अब आते हैं एंटीबॉडीज पे या इम्यूनोग्लोबुलिंस के ऊपर। इम्यूनोग्लोबुलिंस के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पहले ही बना रखा है, आपको अगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप वो विजिट कर सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, यहाँ पे वो सीख लेते हैं। अगर एक इम्यूनोग्लोबुलिन या एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना लें तो वो कुछ वाई शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और ये उसकी आर्म्स होती हैं। ये वाली जो बड़ी वाली लंबी वाली आर्म है इसको हैवी चेन बोलते हैं, हैवी चेन बोलते हैं, और ये छोटी वाली है इसको लाइट बोलते हैं, लाइट चेन, और इसको बोलते हैं हैवी। इसका नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्योंकि लाइट जो है वो छोटी है, हैवी जो है वो ज्यादा लंबी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके ये जो पोर्शन है, जो एंटीबॉडी का ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने सर्किल के अंदर बना रखा है, उसका काम क्या है, उसका काम है एंटीजन से बाइंड करना। अब एंटीजन भी समझने की जरूरत है, एंटीजन क्या है। एंटीजन वो चीज है जो फॉरेन मटेरियल है जो बॉडी के अंदर आ रहा है। फॉरेन मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कोई एलर्जिक पार्टिकल भी हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है जो बॉडी में बाहर से आ रही है। बाहर से आने वाली चीज हो गई एलर्जन, और आपकी बॉडी जो उस एलर्जन के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है वो चीज क्या हो गई, एंटीबॉडी हो गई। ठीक है, तो एंटीबॉडी ये, और इससे बाहर से आकर के बाइंड करने वाला सपोज करिए ये है एक एंटीजन है, ये एंटीजन मान लीजिए इसको, हालांकि ये ड्राइंग ही है, इसको एंटीजन मान लीजिए। इसको इससे बाइंड करने का काम किसका है, एंटीबॉडी का काम है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में इंटरैक्ट कर जाते हैं, ये चीज हो गई। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ये समझ में आ गया। अब एंटीबॉडीज भी जो है, एंटीबॉडीज भी जो है वो इस हैवी चेन की वजह से, इनके कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारी वैरायटीज हैं। तो कौन कौन सी वैरायटीज हैं, एंटीबॉडी जी, ए, एम, ई और डी। तो मतलब अगर इसको हम लोग एंटीबॉडी के टर्म्स में लिखें तो आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई, आई जी डी, इतनी तरीके की एंटीबॉडीज नोन है। ये सब हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंटीबॉडीज क्या हैं, एंटीजन क्या हैं। अब आते हैं एंटीबॉडी टाइटर के ऊपर। बॉडी में जब भी इंफेक्शन होता है, जब भी किसी तरीके का एंटीजन बॉडी में इन्वेड करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था कि कई तरीके की एंटीबॉडीज हैं, जी है, ए है, एम है, ई है और डी भी है, तो उससे हम सीख सकते हैं, इस एंटीबॉडी टाइटर में हम लोग सीखेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी पहले प्रोड्यूस होती है, कौन सी बाद में प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज हम एक ग्राफ से सीख सकते हैं। जब भी इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज कौन सी है, IgM। तो IgM और D जो होता है, यहां पे IgM और D जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। इसको प्रोड्यूस करने में टाइम कितना लगता है, लगभग 7 से 14 दिन का टाइम लगता है, और इसके बाद कहीं जाके IgG प्रोड्यूस होती है। इस कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस IgG का नोन है अभी, लेकिन जैसा मैंने बताया बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले IgM का और IgD का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये टाइम कितना लग रहा है, लगभग लगभग 7 से लेकर 14 दिन का टाइम लग रहा है पहली बार IgM का प्रोडक्शन होने में, और उसके बाद कहीं जाके IgG का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये 7 से 14 दिन जो है वो टाइम बहुत क्रूशियल है। अगर इस टाइम को हम किसी तरीके से कम कर सकें तो हमारी बॉडी के लिए आसानी होगी कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए। अगला चीज जो मैंने बताया है, ओल्ड, ये एंटीबॉडी टाइटर हो गया ओल्ड एज या किड्स के लिए। ये 7 से 14 दिन का जो समय है ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर आप ओल्ड एज की बात करें तो ये जो टाइम लैग है ये और ज्यादा बढ़ जाता है, और बच्चों के लिए भी ये ज्यादा होता है। तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी में क्या हो रहा है, एक तो चीज हो गई कि आप किसी का खून जो है वो किसी का ब्लड जो है वो किसी और पेशेंट में ट्रांसफर कर दें,
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ब्लड ग्रुप सेम होना जरूरी है इस चीज के लिए। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि वो पेशेंट्स जिनके अंदर ये इन्फेक्शन, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पहले हो चुका है और वो अब रिकवरी के फेज में है, तो उनके ब्लड में क्या होगा कि उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज रही होंगी, जिसने उस कोरोना वायरस को हरा रखा होगा, वो अभी पूरी तरीके से खत्म बिल्कुल नहीं हुई होंगी, उसके ब्लड में वो एंटीबॉडीज अभी भी पाई जा रही होंगी। तो क्या करते हैं, उन एंटीबॉडीज को वहां से निकाल करके किसके अंदर डालते हैं, वो जो करंट जो पेशेंट्स हैं, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, उनके अंदर वो एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो टाइम लैग है उसके बीच में आप कहीं बाहर से एक पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं, बाहर से एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो ये जो टाइम लैग है उसके बीच में वो वाली बाहर से जो एंटीबॉडीज हैं वो कॉम्बैट करेंगी, वो लड़ेंगी उस कोरोना वायरस के इंफेक्शन से, तब तक जब तक आपका खुद का इम्यून सिस्टम वापस किक ऑफ नहीं कर जाता। आपका खुद का इम्यून सिस्टम जब किक ऑफ कर जाएगा वो खुद से एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अक्सर ये जो टाइम लैग है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस बीच में बाहर से डाली हुई एंटीबॉडीज, बाहर से जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनसे डाली हुई एंटीबॉडीज क्या करती हैं, मोर्चा संभाल लेती हैं और उस पेशेंट की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। कॉन्वलेसेंट का मैंने मतलब बताया था कि रिकवरी, तो रिकवरी फेज में जो जो इंडिविजुअल्स, जो पेशेंट्स होते हैं उनसे प्लाज्मा लेकर के ट्रांसफर करना सिक इंडिविजुअल्स को, जो अभी भी पूरी तरीके से, जो अभी भी उस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनमें ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर किस तरीके से होता है, प्लाज्मा लिया जाता है, उस पर्सन का ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है और प्लाज्मा इन्फ्यूज करवा दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज करवा दिया जाता है उस पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्टेड है अभी भी। तो ये पूरा बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ओल्ड एज और किड्स ज्यादा ससेप्टिबल क्यों है आपको समझ में आया होगा। अब रोल ऑफ एंटीबॉडीज पे चलते हैं कि एंटीबॉडीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर एंटीबॉडीज का रोल क्यों इतना ज्यादा है, क्यों इसके बारे में बात हो रही है, तो समझते हैं। चलिए, अगर ये कोरोना वायरस एंटीजन, इसको मान लीजिए ये बहुत खुश है, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, बहुत ज्यादा खुश है। अब एंटीबॉडीज क्या करती हैं, अगर हम एंटीबॉडीज को बनाएं तो जैसा मैंने शेप बनाया था एंटीबॉडी का, वाई शेप की होती है। एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको जाकर के, इस वायरस, इस एंटीजन को जाकर के चारों तरफ से घेर लेगी। अब ये एंटीजन क्या होगा, किसी और सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, यानी कि अब ये ज्यादा नुकसान पहुंचाने में समर्थ नहीं होगा, यानी कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरी भाषा में बात करें तो पहली चीज क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरी चीज का मतलब, दूसरी चीज का नाम क्या है, ऑप्शनाइजेशन। पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा आपको। ऑप्शनाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब एंटीबॉडी पूरा एक कोट बना लेती हैं इस एंटीजन के चारों तरफ, कोटिंग कर लेती हैं, तो एक और दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम, इम्यून सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मैक्रोफेजेस। और ये मैक्रोफेजेस के पास बहुत इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है कि ये किसी भी एंटीजन को जाकर के खा सकते हैं, इंगल्फ कर सकते हैं, लेकिन इनके पास ये शक्ति तभी है जब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी द्वारा कोटेड रहेगा, तभी ये इसको इंगल्फ कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ये एंटीबॉडीज इसको कोट करेंगी, कोट करने का प्रोसेस ऑप्शनाइजेशन है, तो क्या होगा, मैक्रोफेजेस जाएंगे और इसको खा जाएंगे, इसको इनगल्फ कर जाएंगे, तो क्या होगा, एंटीजन बॉडी से खत्म होने लगेगा, रिमूव होने लगेगा। तीसरा एक और जो इंपॉर्टेंट है रोल है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक और इम्यून इम्यून सिस्टम का एक और ब्रांच है, बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक और ब्रांच है, उसका भी काम यही है कि बॉडी से जो भी एंटीजेंस है उनको रिमूव करते चलना, तो उनको भी एक्टिवेट करता है आपका जो एंटीबॉडी है। तो ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, तो रोल ऑफ एंटीबॉडीज समझ में आ गया होगा कि क्यों इतने ज्यादा एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट हैं।
अब आगे चलते हैं करंट रिसर्च के ऊपर। अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलरली तो आपने देखा होगा कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा काम चल रहा है। सबसे पहले इसकी जो रिपोर्ट आई अभी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, वो चाइना से ही आई है। चाइना से आई है, वहां पे उन्होंने 5 पेशेंट्स को वो रिपोर्ट कर रहे हैं। 5 पेशेंट्स को इन्होंने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी के माध्यम से उसको ठीक किया है और वो पेशेंट्स अभी स्वस्थ हैं। ये उनकी एक रिसर्च भी छपी है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिन में, आप चाहें तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। यूके और यूएस में भी इसके ऊपर काफी ज्यादा काम चल रहा है। यूके ने तो यहां तक कहा है कि अगर ये मेडिसिन अगर ये तरीका ठीक हुआ तो वो सबसे पहले अपने हेल्थ जो ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ केयर के जो संभालने वाले लोग हैं, उनको सबसे पहले देगी, क्योंकि उनको संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, ताकि वो बाकी लोगों की केयर कर सके। तो बहुत सारा काम हो रहा है इसके ऊपर, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी के ऊपर पूरी दुनिया में। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। इस तरीके में या इस ये तरीका बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो स्केलेबिलिटी की है। स्केलेबिलिटी से मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि ये तो प्लाज्मा जो है वो इंडिविजुअल से लिया जा रहा है। अब आप जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल जो है वो प्लाज्मा देने के लिए रेडी ही हो, हर पर्सन अपनी एंटीबॉडीज को देने के लिए रेडी ही हो। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि आप पेशेंट्स को, आप इंडिविजुअल्स को कन्विंस कर सकें कि वो प्लाज्मा दें उन सिक पेशेंट्स के लिए। अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी या इंडिविजुअल तैयार भी हो जाता है अपना प्लाज्मा देने के लिए, तो वो पर्सन कितने लोगों की जान बचा पाएगा ये भी इंपॉर्टेंट। चाहे जितने लोगों की भी जान बचा पाए वो नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस तरीके की जो जो प्लाज्मा जो कोई इंडिविजुअल दे रहा है वो बहुत ज्यादा लोगों को दिया नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत इसका डिसएडवांटेज है इस मेथड का, स्केलेबिलिटी। इसीलिए मैं बार बार इस चीज को स्केलेबिलिटी बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़े स्केल पे की नहीं जा पा रही है, की नहीं जा सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स या वॉलंटियर्स की संख्या काफी कम है इस केस में। तो अब आते हैं कि इसको ठीक करने का क्या तरीका है, या इस चीज को और बेटर करने का क्या तरीका है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग कोई ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में भी मैं एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं अपने लेक्चर सीरीज में, जो जो भी लोग उसको देखना चाहें वो जाके देख सकते हैं। तो अगर हम कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकें कि जो स्पेसिफिकली जो इस तरीके की हो, यानी कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की तरह काम करे, उन इंडिविजुअल्स से ली जा सके, उन इंडिविजुअल्स को के जो एंटीबॉडी है उसको यूज करके अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिजाइन कर सकें स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, तो मुझे लगता है काफी ये इफेक्टिव होगा। हालांकि इस चीज के ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी आगे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये कितनी कारगर चीज है। तो ये पूरा पूरा लेक्चर हो गया कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी के बारे में, वो क्या है, क्या कैसे कैसे लोग इस पे काम कर रहे हैं और क्या इसका पोटेंशियल है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।